खबर हांडिया प्रयागराज से, जहां हांडिया थाना क्षेत्र के बरौद कस्बा के पास एक हॉस्पिटल में मरीज को खाना देकर वापस आते समय मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति को तेज रफ्तार अनियंत्रित रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही दंपत्ति की मौत हो गई। शनिवार रात पकलोर निवासी घनश्याम बिंद 32, पुत्र विपिन बिंद व घनश्याम की पत्नी गंगाजली उम्र 30 वर्ष दोनों बाइक से बरौद स्थित एक हॉस्पिटल में मरीज को खाना देकर वापस आ रहे थे। दंपत्ति जैसे ही पिलर नंबर 9 के पास पहुंचे थे कि तेज रफ्तार अनियंत्रित रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। देखते ही देखते दोनों की मौके पर ही तड़फ तड़फ कर मौत हो गई। सूचना पर हांडिया कोतवाल धर्मेंद्र दुबे में फोर्स मौके पर पहुंचकर दंपत्ति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बस को कब्जे में ले लिया। आपको बताते चले कि हांडिया में सड़क इतनी अच्छी बनी है कि लोग बहुत तेज चल रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही है। 6 माह के अंदर हांडिया थाना क्षेत्र में लगभग दर्जन भर लोग सड़क हादसे में मौत का शिकार हो गए हैं, जिससे कई परिवार बर्बाद हो गए हैं। हांडिया से एसके सिंह पटेल की रिपोर्ट।